चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। इस समय मतलब किसान एकदम भूजा की तरह भूजा गए हैं लोग। और लक्ष्मीगंज चीनी मिल है, उसमें हम लोग का मतलब पेट का गुद्दा निकल गया, उसमें हमारा खेत भी निकला है। न चीनी मिल चल रहा है, न हम लोग को खेत मिल रहा है। दूसरा कोई यहाँ पे बो रहा है, दूसरा कोई बो के खा रहा है। इस क्षेत्र के किसानों ने मन बना लिया है, जो चीनी मिल चलवाएगा वोट उसी को जाएगा। बंद चीनी मिल चालू करो वरना कुर्सी खाली करो। चलचित्र अभियान और गोरखपुर न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग हैं कुशीनगर जिले में, ये गांव है भटवलिया टोला। और इस चुनाव में गन्ना किसानों का एक बड़ा मुद्दा है, चीनी मिलें बंद हैं। तभी भी हम लोग रास्ते भर देखते आए हैं कि गन्ना किसानों का खेत अभी भी आप पीछे देख सकते हैं, खेत में पड़ा हुआ है और चीनी मिल गन्ना नहीं ले पा रहे हैं। ज़्यादातर किसान जो है क्रशर पर गन्ना बेचने के लिए मजबूर हैं, जहाँ पर उनको बहुत कम पैसा मिल रहा है। तो हम लोग आज इन्हीं लोगों से जानना चाहते हैं कि वो किस समस्याओं से सामना करना पड़ा है। आप लोग बताइए कि ये बार गन्ना ठीक से पर्ची मिल जाता समय से? न समय से पड़ताल होता, न कमदार पड़ताल करता है, न समय से गन्ना थी पर्ची मिलता। खेत में सारी गन्ना लोग के किसान के सूखी गई मान, क्योंकि ऑफिस से आ जाता, केव 100 रुपया पर बेचा था, केव तो लेने खेत में पड़ल बा गन्ना लोग के। ये समय से हमन का धरती पर धान गेहूँ नहीं होला, जे खाली गन्ना के बुआरो है, गन्ने से सारी काम हमन का होला। बगन क्यों सुनवाई नहीं खा, कोनो अधिकारी नहीं खा हो। आपके कितना गन्ना बा है? हमारा गन्ना रोल मालिक कह नहीं था, एने उन्हें बेच दानी है गन्ना खत्म। चीनी मिल पे नहीं जा पाए? हाँ, चीनी मिल पर ना परुइया गोल ना संगे गोल। 3-4 साल से गन्ना का कोनो मोल भाव नहीं खे, जो है पावता तो है लोग दहवा का खेत खाली करता। कितना दाम मिला? भर्ती लगा के लोग क्रशर पर और दूसरे जगह ले गए लिए जा 100-150 150-200-50 रुपया भरे ले लो लेता। 50 रुपया तो उनका जितना लागत आप लोग लगे ले रहे जा 50 रुपया लदाई लोग लेता। 50 रुपया 1000 तो लदाई इतनी ला लेता, टेलर अब दिन लादा तो 1000 आ 50 रुपया क्विंटल भाड़ा थी टेलर वाला लेता। तो कोनो फायदा भइल उतना लगे ले? ई बीमारी तो बहुत बा हमरे यहां जी, सब लोग तबाह बाटे। हां, डॉक्टर रुख हमरे बाटे अपन बड़ा नहीं बोल मिले पर नहीं लेको पर्ची नहीं आई। तो अभी का कर ले जब गन्ना नहीं गिर पाइल बा? हां, 2 महीना दिन हम धान ना देने जा, कोई झाके नहीं आइल बा, हमनी का खाई जा कैसे रह जा, हमको रहता चाहिए बस इतना चाहिए। तो अभी आप लोग गन्ना कहाँ ले जाते हैं जब ये चीनी मिल बंद है? तो कहाँ ले जाते हैं? ले जाते हैं वर्तमान से ना गोपालगंज तक जाते हैं। 1 रुपया के बदला में 2 रुपया किराया दिया जाता है। 50 रुपया सीधे भाड़ा लगा। कौन चीज हमने को मिला था? हमारे को तो भुजा को बन गया भुजा का। तो ये तो मोदी सरकार जब चुनाव के समय वादा किया था कि हम चीनी मिल चलाएंगे, और दूसरा ये भी कहा था कि हम गन्ना का दाम जो है वो समय से देंगे, तो उसका उस वादे का क्या हुआ? आप लोगों को समय से मिला? ऐसा है कि हमने माननीय योगी जी से 2017 में मांग किया था, उनकी जब सरकार बनी थी, कि गन्ने का पेमेंट 1 सप्ताह में किसानों के खाते में पहुंच जाना चाहिए। उसके ठीक 3-4 दिन बाद स्टेटमेंट आया योगी सरकार का कि हम 1 हफ्ते में नहीं 14 दिन में गन्ने का पेमेंट करेंगे। लेकिन उनका भी वादा सिर्फ ये वादा दिख रहा है, एक एक मिलों के ऊपर 2 से 2.5 महीने तक का गन्ना पेमेंट बाकी है और किसान बिल्कुल परेशान है। 2014 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी पडौना में आए थे, उन्होंने बोला था कि पडौना की बंद चीनी मिल जो है उसको हम 100 दिन में चलवा देंगे। जब 4.5 साल बीत गया, हमने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा सिर्फ खोखला नजर आ रहा है, सिर्फ झूठा वादा किसानों के साथ किया जा रहा है। तो हमने अपना आंदोलन तेज किया सितम्बर 2018 से, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हमने किया था लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को चलवाने के, लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल गेट के ऊपर। लेकिन दुर्भाग्य है बीजेपी सरकार के न कोई सांसद हमारे पास आए, न कोई विधायक आए, न कोई मंत्री आए, और न माननीय योगी जी से या प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी से कोई समाचार हमारे लिए नहीं आया कि लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को हम चलवाएंगे या नहीं चलवाएंगे। आज हमारे किसानों का हजारों एकड़ गन्ना आपके सामने नजर आ रहा है, खेतों में सूख रहा है। लगातार हमारी मांग हो रही थी
कि गन्ना पर्ची को दिया जाए। मैं इसके लिए कम से कम तो 200 बार शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा चुका हूं, लेकिन आज भी किसानों की वही दयनीय हालत है और जिसे किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि किसानों के साथ बीजेपी सरकार धोखा करी की है तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा 2019 के चुनाव में। मोदी जी ने भी एक अभी वादा किया था कि किसानों का जो हम आय है उसको दोगुना कर देंगे। गन्ना किसानों को जो रेट सरकार ने इस बार दिया है, आप लोग और लोग भी बताइए कि क्या वो सही रेट है? जो गन्ना मूल्य इन्होंने तय किया है 325 रुपया, आज इस महंगाई के दौर में जहां एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी 500 रुपये है, 400 रुपये है, उसमें 325 रुपया कुंटल गन्ना बेच करके हम लोग अपना मजदूरी और लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो सरकार कैसे किसानों की आमदनी दो गुना होने का वादा करके और हम मजबूर किसानों का वोट ले रही है? बिल्कुल ये हम किसानों के साथ छलावा है। यहाँ गन्ने की जो मूल्य 325 है वो बिल्कुल कम है, कम से कम 450 रुपये गन्ने का मूल्य होना चाहिए। जरा ये बताइए कि जो ये कहा गया था कि 6000 सालाना मिलेगा, वो उससे आप लोगों को लगा कि ये ठीक है? और जो ये बिजली भी नहीं मिल रही, बिजली का दाम भी बढ़ गया है, सिंचाई का भी, खाद का भी बढ़ रहा है, इससे जो परेशानी किसानों को हो रही है उसके बारे में आप बताइए। महंगाई बिजली का तो 200 पहले आता था, इस समय आ रहा है 450 महीने में। बिजली का दाम बढ़ गया, उसके बाद गन्ना ले जाके आदमी भसैया गिरा रहा है, वहाँ पे 150-100 रुपया वो भी इस समय लाइन लगा है। पिपराइच में वही हाल है, कप्तानगंज में वही हाल है। इस समय मतलब किसान एकदम भूजा की तरह भूजा गए हैं लोग। और लक्ष्मीगंज चीनी मिल है, उसमें हम लोग का मतलब पेट का गुद्दा निकल गया, उसमें हमारा खेत भी निकला है। न चीनी मिल चल रहा है, न हम लोग को खेत मिल रहा है, दूसरा कोई यहाँ पे बो रहा है, दूसरा कोई बो के खा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि 6000 का मतलब होगा 364 दिन होते हैं साल में, ये 6000 में 364 का भाग दे दिया जाए तो 16.48 रुपये पर डे एक किसान के खाते में जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं मैं किसानों का आय दोगुना कर दूंगा, तो ये 16.48 रुपये रोज किसान के खाते में जाएगा? एक टाइम किसान नाश्ता भी ठीक से सम्मान के साथ नहीं कर सकता है। ये सब चुनावी सम्मान योजना है, ये किसान सम्मान योजना नहीं है। सिर्फ चुनाव के लिए यो मोदी सरकार ने किसानों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए लाली पाप दिया है। तो बड़ी चुनाव में क्या कर जाए आप लोग? मोदी सरकार जब रक्षा मनाए तो देव मिल चालू करी, क्यों मिल चालू करी वही कोड दिया ही। इस क्षेत्र के किसानों ने मन बना लिया है, जो चीनी मिल चलवाएगा वोट उसी को जाएगा। बंद चीनी मिल चालू करो वरना कुर्सी खाली करो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।